तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवू सरकार आर्ट। तो आज का वीडियो में मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि कलर पेंसिल मतलब लो कॉस्ट कलर पेंसिल से कैसे अच्छा रियलिस्टिक पेंटिंग हम बना सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि इस पेंसिल का यूज़ का कुछ टेक्निक दिखाऊँगा। और ये मेरे पास जो पेंसिल है वो फेवर कैस्टल का है, आप देख सकते हैं फेवर कैस्टल का है। तो ये ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, मैंने एक दो साल पहले ख़रीदा था। इसका प्राइस तब था 200 रुपये, अभी इसका A24 का सेट है। तो अगर आप 36 का सेट लेते हैं तो करीब 350 का पड़ जाता है। तो अभी आई थिंक ऑनलाइन में 350 वाला अवेलेबल है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जो यूज़ किया ये वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ किया था मैंने, तो वाइट कोल जिसको कहते हैं, कोहिनूर का है। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे इसके साथ कोई भी वाइट पेंसिल नहीं मिला था इसलिए मैंने चारकोल यूज़ किया वाइट की जगह पर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका टेक्निक कुछ दिखा देता हूँ जो जिसको यूज़ करके आप अच्छे से ब्लेंड कर सकेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास अभी देखिए एक आइवरी शीट है, तो आप देख सकते हैं आइवरी सीट है। तो इसमें मैं कुछ टेक्निक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें करना पड़ता है इसको अच्छे से शार्प कर लेना पड़ता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए ये फेवर कैस्टल का जो यह था मैं इसको लगा दिया था, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल को अच्छे से शार्प करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से एकदम टॉप जो है उसको एकदम क्लियर से शार्प कर लीजिए। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो उसमें तकलीफ नहीं होगा, देख सकते हैं मैं इसको शार्प कर रहा हूँ। मतलब इसका पॉइंट हमें चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। देखिए इसका पॉइंट निकल गया, ऐसे में सब शार्प कर लेता हूँ। देखिए तो इसका देखिए पॉइंट जो है वो निकल आया है। तो अभी इसका पॉइंट से मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पेपर है, तो अभी देखिए जो हम करते हैं क्या करते हैं कि जो पेंसिल है उसको एक स्ट्रोक में यूज़ करते हैं, जैसे कि ऐसे 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 करके हम जब यूज़ करते हैं तो ठीक है। मतलब फास्ट टोन हमको ऐसे ही देना पड़ता है, क्योंकि फास्ट टोन कोई भी एंगल से एक ही साइड से देने से अच्छा होता है। अगर आप साइड को चेंज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए मैं एक साइड से फास्ट टोन को अप्लाई कर दिया और प्रेशर एकदम सेम रहेगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो देखिए मैंने इसको ये किया है। तो अभी देखिए इसमें मतलब ब्लेंडिंग का इफ़ेक्ट नहीं आया, अभी तक ब्लेंडिंग का इफ़ेक्ट नहीं आया। तो हमें तो ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो जो रियलिस्टिक वाला टोन है वो नहीं आएगा। तो ब्लेंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको जो पेंसिल का जो मतलब यूज़ है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी हम इसको देखिए जब ब्लेंडिंग करेंगे किसी और कलर से और उसी कलर से आप जिससे आप चाहे ब्लेंडिंग कर सकते हैं, तो तब आपको मतलब ऐसे ही क्रॉस करके ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, तभी आपका जो कलर है वो मिक्स हो पाएगा, जिससे नहीं तो नहीं होगा। मतलब आप कभी भी एक ही स्टाइल पे कलर नहीं मार सकते, तब आपका पेंसिल जो है उसका ब्लेंडिंग नहीं होगा अच्छे से। तो इस टेक्निक को आपको फॉलो करना ही होगा, और देखिए बहुत ही धीरे धीरे मतलब अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि कलर पेंसिल में मतलब आपको अगर टाइम नहीं देंगे तो नहीं होगा। बहुत ही टाइम लगता है कोई भी अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, बहुत ही टाइम देना पड़ता है इसमें, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये भी ब्लेंड हो गया, देखिए आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से जैसे ब्लेंड हो गया, देखिए जो आपका ब्लेंडिंग इफेक्ट है वो आ गया, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी कलर ऐड करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए मैंने इस स्टाइल से किया है। फिर अभी जो कलर मतलब मैं डालूँगा उसको ऐसे दूसरे स्टाइल से दूँगा, तो देखिए और भी अच्छा ब्लेंडिंग हो जाएगा, तब आपको एकदम ब्लेंडिंग जो इफेक्ट है उसका ब्लेंडिंग इफेक्ट मिल जाएगा, देखिए। और जब आप इस स्टाइल से देंगे, ट्राई करिए जो इसका साइड पोर्शन है उस साइड पोर्शन को यूज़ कीजिए, पॉइंट मत यूज़ कीजिए, उसमें लाइन चला आता है, तो साइड पोर्शन को यूज़ करने का ट्राई कीजिए, तो इससे जो ब्लेंडिंग है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। देखिए मैंने 3 बार देख के इसको ब्लेंडिंग किया है, तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो आप देखिए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया। तो इसी टेक्निक को मैंने पूरा पेंटिंग में यूज़ किया है। और कभी कभी आप चारकोल से भी ब्लेंड कर दे सकते हैं, इससे भी हो सकता है, मतलब वाइट चारकोल से भी आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा डस्टी इफेक्ट आता है। तो मैंने यूज़ किया है पेंटिंग में, इसलिए मैंने दिखाया, देखिए मैंने वाइट चारकोल से ब्लेंड किया है। ऐसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं।
तो एक एक कुछ प्रोसेस है जिसको आपको अप्लाई करना। अभी मैं जो ये वाला पेंटिंग है इसको पूरा इसी टेक्निक से बनाया हूँ, लेकिन इसमें क्या है जो क्योंकि ये चीप क्वालिटी का पेंसिल है इसलिए इसमें अगर आप ज़्यादा डार्क करते हैं तो देखिए ऐसा कुछ इफेक्ट आता है जो थोड़ा मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये पेंसिल को यूज़ करने में। अरे इसको बनाने में मुझे लगभग 30 आवर्स लगे हैं, मतलब 30 घंटे लग गए हैं, तो सोच ही सकते हैं कि इतना टाइम लगता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अभी पेंटिंग को शुरू करता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।